आप विश्रमा प्रोडक्शन हाउस में आज नई वीडियो के साथ प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हम आए हैं बांसवाड़ा बद्री मस्जिद, आमिर साहब के कपड़ा बनाए हमने अभी 3 BHK। ये सीढ़ियों से ऊपर के लिए पार्टीशन दिया है डोर क्लोजर के साथ, नोजल के साथ। अब अंदर आएंगे और यहाँ से ये लिफ्ट है हमारे, ये लिफ्ट दे गई है हमारे की। और ओनली फॉर यहाँ इस फ्लोर की परमिशन ओनली फॉर आमिर साहब को ही है, जो जनाब है यहाँ टेरिस पे जाने के लिए अलग पूरा सिक्योर फ्लैट है। टेरिस पे जाने के लिए भी दरवाजा है, शूज रैक मिरर के साथ। ये मेन गेट आया है वुडन शीशम पैटर्न के साथ, इंटरब्लॉक मोटिस लवाजा फ्लैटर किया है। ये है हमारा लिविंग एरिया, ये हमने राफ्टर दिया है एपॉक्सी ग्राउट के साथ, वुडन 2-2 फीट की पैस के साथ हमने दिया है 8-8 फीट पूरा वुडन पार्टीशन। ये सोफा है 7 सीटर सोफा दिया हमने लेजर के साथ। और ये हमारा हॉल है, ये पूरा हॉल है, यहाँ पर 16 फीट का सोफा दिया हमने सिंगल सीटर हमारे आमिर साहब के लिए। और ये एलसीडी कैबिनेट ये प्रोफाइल शटर टीचिंग करा हुआ हमारे साथ, इसके अंदर लाइब्रेरी बुक्स वगैरह पुरान रखने के लिए पूरा हमने कैबिनेट बनाया है। 2 सेक्शन में बांटा है पूरा, 1-2 सेक्शन बांटा। और नीचे कैबिनेट को हमने 7 में डिवाइड करके ये ड्रॉअर बनाए हैं सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ, एक्चुअली रोज गोल्ड हैंडल के साथ। ये हमने वुडन वाइट का कॉम्बिनेशन लेके वाइट अंदर एपॉक्सी भरी है, मिरर एपॉक्सी भरी है। और ऊपर भी ऐसे हाइड्रोलिक कैबिनेट हमने बनाए हैं, हाइड्रोलिक के साथ है सर। हमने ऊपर का भाग पूरा डिवाइड अलग किया है 7 के साथ, नीचे से 7 कैबिनेट, ऊपर भी 7 कैबिनेट, साइज बढ़ा गए। और एक सिंगल सोफा प्लीज उठ जी ऐसे क्या मेरे को भी ये सोच रहे थे मेरी साइज। सिंगल सोफा बनाया हमने जनाब साहब की, केवल आमिर साहब के बैठने के लिए ही बनाया है। और फिर ये 10 सीटर सोफा अलग बनाया है, मास्टर बेडरूम है सर, जनाब का खुद पर्सनल रूम है अंदर। क्या है पूरा है लेदर की ज़्यादा, हम पूरी क्लीचा बिछाया हमने कारपेट, लेदर कारपेट के साथ एकदम स्मूथ मशरूम कवर के साथ है। ये कुशनिंग के साथ हमने डबल बेड हाइड्रोलिक वाला दिया है, इसमें सोल प्रो से हाइड्रोलिक लगाया है, हाइड्रोलिक के साथ हमने पूरा पैटर्न किया है। इसमें मतलब हमने लेदर कुशनिंग करी, कोने कोने शार्प हो गए, इसमें लैंप लाइट दोनों साइड में, और साइड में ड्रॉवर भी है सर, और साइड में 2 मुठियाँ दी है। ये हमारा कैबिनेट बनाया है वॉलड्रॉप 2 सेक्शन में, ऊपर 2 सेक्शन राइट 1 सेक्शन। ये पूरी लेंथ है रूम की 14 फीट 14 इंच 40 फीट पूरी 14 फीट हमने स्लाइडर दिया है, ये हमने स्लाइडर दिया है बोस फिटिंग के साथ फ्लोर क्लोजिंग पूरा। ये सिक्योर कैबिनेट बनाया है, ये हमने पार्ट किया है बड़े कुत्ते बनाने के लिए पूरा पार्ट कर रखा है। ये केवल स्टोर के लिए हमने बनाया 2 कैबिनेट, इसमें भी एक ब्लॉक दिया है अलग अलग पार्ट के साथ पूरा कैबिनेट हमने सिक्योर। फिर ऊपर भी हमने कैबिनेट दिया है 2 सेक्शन में, वॉलड्रॉप बनाई है, स्लाइडर है,
बड़े सूट केस रखने के लिए, क्योंकि हमने उसकी डिप उसकी लेंथ हमने ज़्यादा ली है, ये डिप तो हमने कम ले ली है, ये तो हमने लाइटिंग और ये हम चेंजिंग रूम सर हम अंदर जाएंगे, ये चेंजिंग रूम हो गया पूरा कुछ भी हैंग करने के लिए, ये हमारा मिरर है, फिर अंदर वॉशरूम हो गया सर। ये सर वॉशरूम, वॉशरूम में भी हमने वुडन डोर लिया है, हमने वुडन डोर लिया है, पूरा वाइट अंदर पूरा वॉशरूम वाइट। अब हम चल रहे हैं डाइनिंग हॉल की तरफ, तो इनका पूरा हमने पार्टीशन दिया है और इनमें और वाइट फ्रॉस्टेड कांच, ये भी हमने डोर क्लोजर के साथ बनाया है, और डोर क्लोजर की फिटिंग भी सब ब्रांडेड है, इनॉक्स की ब्रांड इसमें भी डोर क्लोजर सब ब्रांडेड है, इनॉक्स बनाया है मोबाइल ब्रेकफास्ट करने के लिए, और उसके नीचे हमने सॉफ्ट क्लोजिंग डोर बनाई है कॉफी आइटम रखने के लिए। अब हम अपन आ रहे हैं किचन की तरफ से, ये हमने फ्रॉस्टेड ग्लास लगाया है पूरा, इसलिए हमने हाइट तक, अब अपन चल रहे हैं किचन की तरफ। किचन पूरा मॉड्यूलर है सर, स्लिक का किचन बनाया हमने पूरा स्लिक, नोवा ग्लास स्टैंडम लगाई है, और ये आ गए सर उनके बड़े जो उनके थाल होते हैं, बड़े 36 इंच के थाल हो गए, इसलिए उनके स्टोर में हमने बड़ा थाली सिस्टम बनाया। उसके साथ फ्रिज है सैमसंग, ये हमने बनाया माइक्रो ओवन के लिए कुकरी आइटम, और ये बनाई वेज बास्केट, सिल्क का है सब ब्रांड, वेज बास्केट बनाई हमने, और ये ब्लैक ग्रेनाइट टेक्सचर के साथ, उसके साथ ब्लैक प्रोफाइल नोवा ग्लास स्टैंडम लगाया हमने, सॉफ्ट क्लोजिंग सब सॉफ्ट क्लोजिंग है, थाली वाला है सब, कटलेरी कप सोसर प्लेट, और सर ये फुल आउट है, ये टफ एडवांस फुल आउट रूम है, सब सॉफ्ट क्लोजिंग है सर, ये सब नोवा ग्लास फॉर वन इंडियन ब्रांड, इसमें भी हमने ब्रांड यूज़ किया सिलिक का, सबसे टॉप मॉडल नोवा जी ग्लास का लिया है, सॉफ्ट क्लोजिंग लॉन्ग टाइम गारंटी के साथ। इसके साथ हमने पेमेंट बनाया डस्टबिन के लिए, उसके लिए अलग है, टॉप कैबिनेट बनाया है सर, मतलब कोई भी अपनी कोकरी आइटम वॉश करने के बाद इसको यहाँ रखा जाता है, कोई भी गीला चीज़ हो तो वो यहाँ से हमने ऊपर रखा है, पानी नीचे चला जाएगा, ऐसे कि मैंने तीन स्टेप बनाया है, ये बैग है, यहाँ पर कोई भी स्टोर अपनी कोकरी रख सकती है। ऐसे सिलिक का हमने हैंगिंग लिया है, चम्मच वगैरह रखने के लिए, टॉवल नैपकिन वगैरह लगाने के लिए, हैंड वॉश वगैरह सब के लिए हमने दो स्टैंड लगाए। फाइव सीटर सोफा दिया है इसमें, नीचे भी हमने गलीचर लगाए हमने कारपेट लगाया, दो मूर्तियाँ हमने साथ में दी है बच्चों के लिए, और लेदर में इसको हमने वॉल्ड्रॉप लेदर रखी इसके अंदर सॉफ्ट क्लोजिंग, हमने वॉल्ड्रॉप बनाई इसके साथ गुड ग्रेड सॉफ्ट क्लोजिंग बोस्ट फिनिश के साथ प्लास्टिक फिनिश में, ये पूरी हमने स्टोरेज के लिए बनाई, ऐसे में सेम टू सेम हमने ऊपर भी पेमेंट में सॉफ्ट क्लोजिंग सब बॉस मिली लगे हैं, हमने बहुत सॉफ्ट क्लोजिंग है।